वहां धो लेंगे अच्छा यहाँ पर ना पैकिंग शेकिंग डन होगी, जो जो हमें रखना था ना, मतलब रखवाना है बस के ऊपर इस कैरी में, वो हम लोगों ने सब सेट फिट कर लिया है। कुछ चीज़ें जो हमें साथ रखनी है वो हमने बैग में रख ली है, और ये मेरा ड्रेस है जो मैं पहनने वाली हूँ। और यहाँ पर जी हमारी तैयारी मुकम्मल होगी, सारे तैयार हो गए और सामान वगैरह रखवा रहे हैं, और बस आज हम लोग खैर से मालम जब जाएंगे और इसके बाद सीधा घर। मतलब आज का दिन हम लोग करने वाले हैं सफ़र, और इस सफ़र ने हमें जो थकाया है ना, ओ माय गॉड। मैं ना अब ये आगे आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताती जाती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तैयार शहर होके हमारा जो डेली का काम था नाश्ता वो किया, और आज का नाश्ता बहुत बहुत ज़बरदस्त था, सारा कुछ बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा कूलर उन्होंने क्यों रखा दिया? तुमने अब खाना क्या? मुझे तुम्हारी पड़ी कि आज तुम क्या खाओगी? ये जारा कही है इतने दिन से हलवा पूरी नहीं खाई मैंने। नहीं लुबना खाओ ना, नाश्ता करो। मैं इसमें कुछ भी नहीं खा सकती। क्यों? हम लोग जब घर होते हैं ना तब तो भूख नहीं लगती 11-12 से पहले, और यहाँ पर ना पता नहीं वही चश्मों वाला पानी का कमाल था या क्या था कि इतनी भूख लगती थी ना हमें। तो ये क्या है? जी सबसे पहले नाश्ता मैंने डन किया, और मैंने कहा मैं लेती हूँ अपनी चाय, और ये चाय लेके जाते हैं बस में, क्योंकि ना हमें यह था कि आगे हम लोगों ने इतना सफ़र करना तो टाइम भी जो है ना जितना जल्दी सारे काम वाइंड अप हो जाए उतना अच्छा है। अब बोलो अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोगों ने अपने रूम्स खाली करके व्लॉगिंग। अच्छा मुझे आप ही कहते हैं शुरू करो व्लॉगिंग। ये है हमारी बस, अब हम लोग जाने लगे हैं वापसी। खैर रवान भी है, ये है हमारी दूसरी बस, वो है तीसरी। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। और ये बैठी मिस नबीला रवानगी के लिए तैयार होकर लशपश होकर, और ये मैं और बस यहाँ पर अब सारे तैयार थे निकलने के लिए मालम जब्बा के लिए। एक्साइटेड थे कि हम एक नई जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अच्छा ना कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी जगह पे रहें या कहीं पे कुछ लम्हात गुजारे ना, तो उस जगह से ना लगाव सा फील होता है। तो इस होटल के साथ ना मुझे सेम ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, तो थोड़ी सैडनेस हो रही थी यार। यहाँ पे हमने बड़े अच्छे दो दिन गुजारे हैं, और अब हम खैर से निकल गए हैं जी मालम जब्बा के लिए। और रास्ते में अब हमने बहरीन, सवात और ये सारी चीज़ें मतलब रास्ते में देखनी है, बाय रोड हम लोग ऐसे देखते जाएंगे। अभी तक तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे बिकॉज अभी हमने मालम जब्बा जाना था, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्टे था हमारा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने निकलना था वापस अपने घरों के लिए, अपने घर के लिए, गुजरांवाला के लिए। तो मैं कह रही जब हम लोग आते हैं ना तो इतने एक्साइटेड होते हैं, और जब जाना हो तब इतना मुंह लटक रहा होता है सबका। चूँकि सफ़र अभी स्टार्ट हुआ था, सारे फ्रेश थे, नाश्ता नुश्ता भी किया हुआ था, तो बड़े हम लोगों का ना यहाँ पे मस्ती सूझी हुई थी, मतलब बड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे थे सारे, मतलब फ्रेश थे, कोई भी डल नहीं था। लेकिन जो सफ़र शुरू हुआ उसने तो कहा कि आज तुम लोगों को मैं बताऊँगा कि मालम जब्बा जो है ना वो कहते किसको है। Now we are crossing बहरीन, और बहरीन और कलाम के दरमियान 2.5 घंटे का जो है ना वो फासला है। तो यहाँ पर ना ये मुझे पंजाब की तरह वैसे लग रहा था, बाहर वाला इलाका, मतलब सवात भी यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका था। अच्छा जी यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आज की अपनी लुक। मैंने बाल वैसे खोले हुए थे लेकिन जो है ना हवा की वजह से कोई उनके हालात नहीं रहे, तो फिर मैंने पोनी लगा ली थी, और आज फिर मैंने सेम कल वाला स्टाइल करवाया जो मुझे बहुत सूट किया। और अब मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह करे नेक्स्ट अगर मैं करना चाहूँ तो ये मुझे आ भी जाए। अच्छा मुझे वैसे हेयर स्टाइलिंग कोई नहीं आती, बाकी मेकअप और बाकी स्टाइलिंग स्टूलिंग मैं कर लेती होती हूँ। अच्छा जी ये मेरी होगी आज की
सारी लुक मैंने ब्लैक कलर का ना ड्रेस पहना हुआ है और ये पोनी शोनी और ये मेरी चुटिया, मैंने आपको सारा अपना हेयर स्टाइल दिखा दिया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि सब कोई सूट करेगा ये ना। अच्छा पहले मैं सोच रही थी साइड वाली फ्रिंज कराती लेकिन ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी। खैर अब हम लोग एंटर हो रहे हैं, एंटर नहीं हो रहे मतलब चढ़ाई चढ़ रहे थे मालम जब्बा वाली और यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा, एक तो ड्राइवर ऑब्वियसली वो बेचारे भी थक जाते इतना ज़्यादा सफ़र करके, हम लोग बैठ बैठ के थक जाते, उनकी तो हिम्मत है जो गाड़ी चलाते और इन रास्तों पर मतलब इतनी चढ़ाई पर या जैसे रास्ते ये हैं यहाँ के पहाड़ों के। अच्छा जी अब यहाँ पर ना सारे इतना आवाज़दार थे कि वो आप ही ना पीछे से बोली जा रही थी भाई प्लीज़ हमें इधर ही उतार दो, हमें तुम कौन सा आसमान पे लेके जा रहे हो, ऊपर जाके छोड़ोगे हमें, मतलब इतना हम लोग सारे थक गए थे ना सफ़र कर 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 के कि सुबह हम लोग 9 बजे के चले और यहाँ पर 5 बजने वाले थे लेकिन स्टिल हम लोग जो है ना वो मालम जब्बा की जो बाउंड्री है ना उसको टच नहीं कर सके। खैर वो कहते हैं ना चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, तो हम लोग अभी यहाँ पर सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था और हम लोग पहुँच चुके थे मालम जब्बा। अच्छा अब मुझे ये था कि मालम जब्बा अल्लाह जाने क्या है, वैसे मैं अल्लाह ताला का बड़ा मतलब हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत है लेकिन ना मैं कुछ एक्स्ट्रा कॉन्शियस थी अबाउट मालम जब्बा, लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए हैं एक तो इन लड़कियों ने इतना ज़्यादा मतलब मेरे साथ जुल्म किया ना, मैंने कहा कि हम लोग ना चेयर लिफ्ट पर बैठे हैं दे सेट के नहीं, किसी ने कहा मेरी तबीयत ख़राब है, कोई कह रही जी धूप बहुत है कलर ख़राब हो जाएगा, सो मैं भी इनके साथ ही सनम डूबेंगे तुम्हें भी साथ लेके जाएंगे, वही हाल हुआ यहाँ पर। क्या कह रहे हैं कितने की टिकट, टिकट कितने की है यार, टिकट कितने की है 1400। यहाँ पर ना मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि हम लोग यहाँ पर लेने के आए हैं बेसिकली, तो यहाँ पर पीसी और उसकी मतलब 1100 थी इंट्रेंस की टिकट और बाकी जो चेयर लिफ्ट थी उसकी 1400 थे, तो मतलब अगर हम लोगों ने ये पहाड़ देखने तो वो तो हम लोग नीचे भी देख लेते, मेरा इतना दिल था कि आएँ और मैंने वैसे भी फर्स्ट टाइम ये ट्राई करना था लेकिन वो भी नहीं कर सकी, मतलब फर्स्ट टाइम भी ट्राई नहीं कर सकी मैं चेयर लिफ्ट को ना। लड़की है उसके बाल देखो लड़की बड़ी हिम्मत वाली है। गाड़ी कहाँ आने जाने 40 मिनट लगते आने जाने, ये चार तो नहीं है तो 6 पॉइंट 20 मिनट जाना 20 मिनट आना, नहीं वहाँ से नहीं ये तो 6 पॉइंट है ना, ये एक चेयर लिफ्ट है जो एक ट्रांसपोर्ट है, चेयर लिफ्ट पे भी लेके जाओगे? नहीं चेयर लिफ्ट पे 1400 रुपए। अच्छा फिर क्या अच्छा जब अब हम लोगों ने ऊपर जाना नहीं था और मैंने भी कहा जो होना था सो हो गया, ज़ाहिर इनके बगैर तो मैं भी नहीं जा सकती, इन्होंने मुझे बहुत कहा कि नहीं आप चली जाएं, मैंने कहा नहीं ऐसे मज़ा नहीं आता फ्रेंड्स के बगैर ना। अच्छा ये लोग ना यहाँ पर नीचे जा रहे थे सब्जा में, यहाँ पर ना दरख्त बहुत खूबसूरत थे, मैं भी जाना चाह रही थी लेकिन मैं जो है ना वो लुबना की वजह से रुक गई थी क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी थक गई थी, तो मैंने कहा मैं लुबना ऊपर रहते हैं आप लोग नीचे जाओ घूम फिर के आओ, चलो और कुछ नहीं तो ये ही देखाओ, तो ये लोग नीचे चले गए, मैंने फिर लुबना की पिक्स वगैरह बनाई और चेंज किया क्योंकि ना मैं कम्फर्टेबल नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी और मौसम ठीक था यहाँ पर गर्मी नहीं थी, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। मुझे नहीं पता कि फ़ोन को क्या इशू इतना ब्लैक कर देता है ना, और अब हमारी बस हो गई दे दो कितनी नहीं है हम लोग ना बस आ गए यहाँ पे और चलो और कुछ नहीं तो सवाल जाके ना मुझे लाइव जो है ना वो व्लॉगिंग का शौक चढ़ गया था जो उतर भी गया मेरा। अच्छा हम लोग मालम जब आए और यहाँ पर उन्होंने कहा जी चेयर लिफ्ट के ना आपको देने पड़ेंगे 1400 रुपया और जो है ना वैसे एंट्री टिकट जो है वो 1100 की, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ऊपर जाके इतनी धूप में कि हम चेयर लिफ्ट लें, हम लोगों ने कहा इधर ही घूम फिर लेते हैं, बहुत थक चुके हैं हैंड हो गया, अब हम लोग वापसी के लिए निकलेंगे और ये ड्रेस अभी मैंने चेंज की है एंड आई फील सो मच कम्फर्टेबल और मेरे साथ वाली वो खड़ी है वो, तो बस अब निकलते हैं वापसी के लिए, सो टूर अब यहाँ पर एंड हो गए और हमारा जो है ना हमारी हिम्मत भी जो है वो एंड हो गई। उधर एक पड़ी है वो देती हूँ, कौन सा व्यू एक्सप्लोर किया तुम लोगों ने गर्ल्स? अच्छा पहले हम लोग जितने पॉइंट्स पे भी गए तो सारे हमें ढूंढ रहे होते थे जैसे हम लोग कल लेक पे गए, लेकिन यहाँ पर ना हम लोग हर चीज़ देख के ना सबसे पहले फ्री हो गए थे, लेकिन कुछ लोग चूंकि चेयर लिफ्ट पे गए थे सो हमें उनका वेट करना था तो हमने कहा यहीं पे आ जाते ऊपर। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? क्या हम ना मिली है मुझे पहाड़ क्या बेच रही हो बबल है, घर किधर है तुम्हारा? किधर किधर? उधर उधर नीचे उस साइड पे हम तुम्हारे घर चले चले
हाँ ये वाले दरख्त कितने खूबसूरत है। ये हमारे शेडोज हैं। वो मालम जबा लिखा हुआ है पता नहीं नजर आ रहा है। यस चलो आप बताओ। और इन लड़कियों की तस्वीरें नहीं पूरी हो रही। पहाड़ पहाड़ हम बहुत ऊंची हैं। चलो इनकी तस्वीरें नहीं पूरी आ रही कसम अल्लाह की कब से लगी हुई है। अच्छा हम लोग अब ऊपर बहुत ऊपर आ गए। हमने एक्सप्लोर की है एक नई जगह आप लोग को वो दिखाते हैं। और वो ये ओह माय गॉड वादी सी है नीचे मतलब सारी चीजें कितनी खूबसूरत है ना। है ना नुबला व्हाट यू से तुम क्या कहोगी इस बारे में इस व्यू के बारे में। इस व्यू से मुझे लगता है कि वाकई अल्लाह है और अल्लाह की खूबसूरती में इधर से नजर आती है। सही बात ठीक है शुरू हो जाएगा। बेन है वो बड़ी बेन है। चलो यार अब कुछ खाते हैं आ जाओ लुबना उधर से उतरते हैं। बड़ी बात मेरा भी नाम उसने बताया पूरे ग्रुप के इधर बैठ। अब आप लोग कुछ खाना लें पहले इतना बस नहीं अब कुछ खाते हैं यार बहुत भूख लग रही है। सारा इकरा आ जाओ कुछ खाते हैं यार मैं क्या करूँ। चलो कुछ खाते हैं उठा लो तुम्हें अब नहीं चला जा रहा तो टूर पे आने का भी शौक है। आयशा भी आज थक गई है। ये हमारा वो बच्चा है जो पूरे टूर में नहीं थका लेकिन आज मालूम जब्बा ने इसको भी थका दी। हाँ पीसी है मैंने चेक किया आगे। अस्सलाम वालेकुम अरे सारी थक गए हैं। चिकन कढ़ाई दाल मार सब मिल जाता है। अब खाना खाना है कि क्या करना है आगे से वहां से फ्राइज खाते हैं यार ठंडा कुछ आ जाओ। बस हम लोग ना यहाँ पर यही कर रहे थे ऊपर जा रहे थे ऊपर से नीचे आ रहे थे फिर चढ़ाई चढ़ते थे फिर नीचे उतर आते थे। बंदा पूछे कि पहले कुछ खा लेते हम लोग फिर नीचे चले जाते। चलिए मुझे इतनी पसंद है ना। अब क्या हुआ आ रहे हम लोग चलिए तो ले रहे इसको क्या हो गया क्यों चल रहा मुझे दिया था मैं उठा के लेके आई। हाय पार्टी हो रही है आज हम साथ बोतल पिएंगे चलने भी खाएंगे। वाह वाह नीचे गिर गया पानी दे दे यार ये क्यों पता यही कुछ मिलता है स्मार्ट टूर के ना सारे व्लॉग ना इकट्ठे बनाने की वजह से ना वॉइस ओवर कर करके ना मेरी मत बज गई इसलिए ओरिजिनल वॉइस पे ना आप लोग साथ साथ गुजारा करें। ये और ले आए चिप्स और वो चाय तो पकड़ो सारा वहां से चाय लेके आओ। चौथी किधर है इतना की लिफ्ट से दिखाओ मैं ब्रेड दिखा दूं मैं गाना मांग रही हूं दसो वो चेयर लिफ्ट किधर गई है वो रही यार इतने तो लोग नहीं आते जितनी ना चेयर लिफ्ट रखी हुई है। आपकी क्लास में मेरी टीचर है मैं बिस्किट खाना है तो खा लो मंगवा लो तुम्हें गाने तो बिस्किट खा लो जी मुझे मेरी किसी को फिक्र नहीं है फ्रेंड तुम लोगों को क्या है बर्तन नहीं धुलते आटा नहीं गूंदा जाता मैं सफाई भी नहीं कर सकती उसमें करके मेरे पर ही आते वही मैं भी सोच रही हूं किसी कुछ भी नहीं दिया ऐसा ना हो तो क्या करें। मैं चाय बनाएगी वो बर्तन धोएगा वो किचन साफ करेगा। ये बर्तन अच्छे धोती है और ये किचन अच्छा साफ करते है वो किचन वो है किचन वो वाला पहले किचन देख लो जो साफ करना है। मेरे ग्लासेस छोड़ के आई हो ना वो कहते हैं ना जिस चीज पे आपका दिल हो या आपकी ख्वाहिश हो वो पूरी ना हो ना तो आप ना लिमाटी शक्ल बना के ना उसको देखते हो बार बार मस्कीनों वाली शक्ल से। तो मैं भी ना भला अभी हम लोग चाय पी रहे तो मैंने कहा बस हम लोगों ने उस व्यू के साथ चाय पीनी है मतलब चेयर लिफ्ट जहाँ से नजर आती रही लेकिन वहाँ पे चूंकि मर्द बैठे हुए तो इसलिए हम लोग अंदर बैठ गए लेकिन जाते हुए फिर मैं ना तरसी नजरों से उसको देख रही थी चेयर लिफ्ट को। इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है अल्लाह पूछेगा इन सबको। अच्छा अब यहाँ पर थकी हारी हम लोग फिर नीचे जा रही है और बस ना वही मैं कह रही थी कि हम लोग कर क्या रहे
बस ना ऐसे ही होता है, कभी कभी हो जाता है, सारी चीज़ें चलती हैं, और जब आप सफ़र में होते हो वैसे ही आपसे ओट पटांग हरकतें हो जाती हैं। और मुझे नहीं समझ आ रही थी यहाँ पे मैंने कहा पोश बन के क्या, मतलब वैसे तो मैंने तस्वीरें वीडियोस इतनी ज़्यादा क्लिक की नहीं है, और यहाँ पर पकड़ पकड़ के मार्क्स जो मैंने यहाँ पर वीडियोस, मतलब ये आप लोगों के सामने क्लिक किए। अच्छा जी, यहाँ पर शाम हो चुकी थी, वो व्यू मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। तो अभी हम लोग फिर गए बस की तरफ, लेकिन अभी तक कोई हमारा कैंडिडेट वापस नहीं आया था। सो अगेन हम लोग यहाँ पर आए हैं, और हमने कहा चलो जी जाते जाते ये कोई, मतलब हमने ना मालम जब्बा का जो कोना होता है ना वो हमने नहीं छोड़ा, ऊपर हम लोग गए हैं, फिर उस साइड ऊपर गए हैं, फिर पीसीसी होके वापस इधर आ गए हैं, और यहाँ पर जी हम लोग बैठ गए हैं थक हार के, कि जब सारे आ गए ना तब हम लोग भी बस की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर जी ये हमारा एंड वाला गर्ल्स, ये हमारे जो है ना अब कुछ चंद लम्हात रहेंगे एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा सफ़र रहा तुम लोग के साथ, मिस करेंगे तुम लोग। अच्छा ओवरऑल जो टूर का रिव्यू था वो तो मैं बाद में आप लोगों को दूंगी, फिलहाल यहाँ पर हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे कि हमने एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय की है। और जो व्लॉग है ना वापसी वाला, उसमें मैं बाकी सारे रिव्यूज़ दूंगी। तो बस अब फिलहाल टाटा बाय बाय, नेक्स्ट जो है ना पार्ट वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगी, और उसके बाद सवात और टूर एंड, टाटा बाय बाय।